सो व्हाट्स अप यू ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल। वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल यूके व्लॉग्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं वालपारे इस सैम का घर पे। तो यहाँ से पहले कुछ ही जाएगा, वहाँ से एक इंटरव्यू है वो अटेंड करके वहाँ से सीधा वालपारे। तो अपना सारा बैग वैग एकदम बांध दिया। हम लोग निकलना था सुबह 5 बजे, लेकिन अलार्म बजा नहीं और उठा नहीं, तो उसके पीछे लेट हो गया। बस अभी अभी ये बांधा है इसको, पता नहीं ये रुकेगा कि नहीं, लेकिन स्टिप तो है। बस निकलते हैं अभी। तो हम लोग यहाँ पे अतिरापल्ली वाटरफॉल्स आया था कि ठीक है अंदर जाके देखेगा बोल के, बट लेट हो गया तो अभी निकलता है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ से नहीं निकला तो वालपारे का चेक पोस्ट बंद कर देगा। ऑलरेडी बंद हो गया करके बोलने में आया है। तो अगर हम लोग जल्दी जाएगा तो हम लोग जल्दी से अंदर चले जाएगा। तो अभी हम लोग अतिरापल्ली वाटरफॉल्स के अंदर नहीं जाते हैं, सीधा निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर गया तो 1.5 आवर जाके वापस आने के लिए लगेगा। तो और किसी दिन कर लेंगे, अभी के लिए वालपारे निकलना पड़ेगा। तो मिलते गाड़ी में जल्दी, पता नहीं दिखाई देता है कि नहीं। छोटा सा वाटरफॉल दिखा रास्ता में, तो रोक दिया जल्दी से लेने के लिए। अतिरापल्ली वाटरफॉल्स तो हम दिखा नहीं पाया, बोले ठीक है चलो कुछ ना कुछ सही, रास्ता में एक छोटा वाटरफॉल तो दिखा, बस रोक दिया, अभी निकलते जल्दी। तो हम लोग वो चेक पोस्ट को क्रॉस कर दिया और वहाँ में वही 4 बजे का एंट्री था। तो हम लोग बात करके निकल गए कि इस तरह घर है हम लोग वालपारे में बोल के। और थोड़ा आगे आते ही ये एक छोटा सा ब्रिज दिखा और एक व्यू देखो भाई, आखिर ही। तो हम ज़्यादा देर यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि फिर बड़ा ऑफिसर आएगा तो फिर बवाल हो जाएगा। तो निकलते, सैम भी आगे चलो। तो और एक स्पॉट में आया और ये और एक छोटा सा ब्रिज है, पता नहीं ये झरना आँखी से ना लाइक लिटरली बहुत सुंदर दिखता है। और मेरे को पता नहीं आप लोग दिखाई देता है कि नहीं, आप जहाँ पॉइंट करते हैं ना वहाँ में एक ट्राइबल का हट है और उन लोग वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पे घर रहे हैं उन लोग, एक छोटा सा टेंट बना के वहाँ पे घर में रहते हैं यार। अगर सोचो बाढ़ जो पानी बाढ़ का जैसा आ गया
तो क्या करें, बह के ऐसी रातों रात बह के चले जाएगा। और अपना क्या करेंगे, हमारा डॉक्टर। हेलो हाय वणक्कम। तो एक छोटा सा विक ब्रेक लिया और व्यू देखो भाई, कमर सब बैंड बज गया मेरा तो। साइड आई था अन्नला दी, यहां से गिरा तो हड्डी भी नहीं मिलेगा वापस। और बहुत जाना है, 25-30 किलोमीटर जाना है, उसके बाद मेन रोड आ जाएगा तो फिर एकदम सही रहेगा। रोड ऊपर गाबड़ एकदम कच्चा रोड एकदम। फॉरेस्ट के अंदर में ना वाइल्ड एलिफेंट्स लोग हैं, तो ये वाइल्ड एलिफेंट्स का पीछे बहुत ज़्यादा ही रिस्की रोड है ये रात का टाइम, क्योंकि उन लोग रोड का एकदम सीधा रोड में आगे खड़ा हो जाता है, तो उसके सामने अगर हम लोग चले गया तो कदम उठा के पकड़ के फेंक देगा या तो उछल देगा। तो बाइक लोग इसीलिए 4 बजे का बाद जाने अलाउड नहीं है। ये रोड एक्चुअली 1 घंटा में क्रॉस कर सकते हैं अगर मतलब प्रॉपरली चलाएगा तो, और हम लोग आके यहाँ पे मतलब लाइक ब्रेक ले देखे चला रहे हैं। क्या है ये RS है? हाँ कसम एक्सीडेंट हुआ है भाई, RS का एकदम हालत ख़राब है उसकी, तो टंकी वंकी निकल गया था। तो हम लोग पहले पहुँचते GoPro में भी ज़्यादा चार्ज नहीं है, देखता अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आया तो कैमरा ऑन करता है, तब तक के लिए बेटर हम बंद रखें और रोड पे फोकस करके जल्दी से जल्दी उसको क्रॉस कर दें। पता नहीं कैमरा में दिखता है कि नहीं दिखता, पूरा ओस एकदम मतलब मिस्ट एकदम पूरा ऐसा फिर उस पर नीचे आ गया, तो भाई सामने का कुछ विजिबिलिटी तो है नहीं, थोड़ा बहुत दूर तक दिखाई देता है और धीरे धीरे बस नीचे आता है। अगर जल्दी से जल्दी क्रॉस नहीं किया बहुत डेंजरस है ये वाला, बस दिखाना था आपको कि बस नीचे आ रहा है। भाई यहाँ पे एक डैम है इसीलिए रुक गया हम लोग, बोला ठीक है चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, शायद स्टोरेज नहीं है GoPro में तो जल्दी स्विच ऑफ हो रहा है, तो छोटा छोटा शॉट्स ले लेते हैं। हेलो एंगड़ा इरमे GoPro में शायद एकदम काला काला दिखाई देता रहेगा, लेकिन जो ये लाइट्स दिखता है ना ये आपके सोलियार डैम का है भाई, आंखें से व्यू एक नंबर है मेरे को, मतलब ना स्ट्रक्चर पूरा दिखाई देता है और नीचे का पत्थर वत्थर सारा एक नंबर है। सुबह आएंगे ठीक है, ज़रूर आएगा यहाँ एकदम कलम लामा।